सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति को ऑक्सीजन लगी हुई है और वह अस्पताल में भर्ती है। वह अस्पताल के स्टाफ के साथ डांस करता दिखाई दे रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जलियांवाला बाग मेमोरियल सिविल अस्पताल का सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अरुण शर्मा है, जो कुछ दिन पहले कोरोना से ग्रस्त पाए गए थे और उन्हें इलाज के लिए EMC अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां पर ये अकेले थे और दाखिल होने के कारण इनका मनोबल गिरने लगा, तो अस्पताल प्रबंधक पवन अरोड़ा की ओर से इनके लिए विशेष स्टाफ की व्यवस्था की गई। पवन अरोड़ा की ओर से नियुक्त किए गए स्टाफ ने डॉक्टर अरुण शर्मा का मनोबल नहीं गिरने दिया। आज डॉक्टर अरुण शर्मा खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है लेकिन वह फिर भी स्टाफ के साथ पंजाबी गाने की धुन पर डांस कर रहे हैं और विक्ट्री बनाकर संदेश दे रहे हैं कि कोरोना से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना भी एक फ्लू की भांति है जो समय के बाद ठीक हो जाएगा। अक्सर लोग कोरोना होने के बाद दहशत में आ जाते हैं, जिससे कई बार उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। EMC अस्पताल के चेयरमैन पवन अरोड़ा भी कहते हैं कि उनके अस्पताल में बनाई गई कोरोना के मरीजों के लिए वार्ड में स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेन किया गया है और उन्हें खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मरीज को कभी भी अकेलापन महसूस न होने दिया जाए ताकि वह शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर को जा सके। मेडिसिन विभाग के डॉक्टर राजीव शर्मा भी बताते हैं, यदि कोरोना काल के दौरान मरीज को पारिवारिक माहौल में रखा जाए और उसका मनोबल ना गिरने दिया जाए तो वह जल्दी ठीक होकर घर को जा सकता है।